सो है व्हाट्स गाइस, क्या हालचाल है यार। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 लाइट विथ 12GB रैम एंड 256GB रोम के साथ, जिसका फ्रंट का डिस्प्ले क्रैक होकर खराब हो गया, बट अंदर का डिस्प्ले टोटली फाइन है, परफेक्टली काम करता है। ये इस डिवाइस में रैम एंड रोम की कोई भी कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये डिवाइस में पबजी गेम को अच्छी खासी हैंडल कर लेती है। हालांकि जिस प्राइस रेंज पर ये डिवाइस मिलती है, उस प्राइस रेंज पर या फिर उससे भी कम प्राइस पर इससे तगड़ी तगड़ी डिवाइस मार्केट्स में अवेलेबल है, बट फिर भी हम लोग इसके ऊपर पबजी खेलेंगे एंड परफॉर्मेंस को जज करेंगे। अगर आप सोच रहे हो इस डिवाइस को बाय करने के लिए स्पेशली फॉर पबजी, तो भाई बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट मत करना। भाई बहुत ही मुश्किल से कमाते हैं पैसे, अगर हमको इसकी इज्जत है तो भाई मतलब बाय मत करना इसे स्पेशली फॉर पबजी मोबाइल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, तो लास्ट तक बने रहना, काफी मजे आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर हम लोग इस डिवाइस के अंदर कैमरास की बात करें, तो कैमरा वगैरह इस डिवाइस में काफी अच्छी है। नो डाउट सैमसंग के फ्लेक्सिव डिवाइस के कैमरा काफी अच्छे होते हैं। वीडियो को पॉज करके और भी काफी सारे फीचर्स इसके बारे में आप जान सकते हो। फ्रंट के साथ साथ इस फोन के बैक साइड भी गिरने की वजह से भाई क्रैक हो गया है, और मार्केट में काफी ज्यादा महंगी है इसकी डिस्प्ले एंड बैक साइड। अगर आपको भी इस ऐसे कंडीशन में अगर कोई डिवाइस मिल रही है तो आप बाय कर सकते हो स्पेशली फॉर पबजी मोबाइल। ठीक है, तो खेलने के लिए बढ़िया है, बट ब्रांड न्यू आप प्रिफर मत करना। तो और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस हमने यहाँ पर पबजी मोबाइल को ओपन कर लिया। जब तक गेम ओपन हो रही है तब तक मैं आपको बता दूं, BGMI यानी कि बैटल कंसोल इंडिया को अगर आप लोग इंडिया से बाहर वाले किसी भी कंट्रीज में खेलना चाहते हो, तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड देन आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस डिवाइस में 2 स्पीकर दे रखे हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, जो कि काफी बढ़िया है, लाउड है, और चार्जिंग एंड एयरफोन कनेक्टर के लिए एक टाइप सी पोर्ट भी दे रखी है। ओवरऑल तो काफी सारी बातें हो गई। अगर हम लोग गेम की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और अल्ट्रा HD तक भी आप इसमें गेम प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी TDM मैच को स्टार्ट कर लिया है, एंड लेट्स सी गाइस, चेक करते हैं डिवाइस का परफॉर्मेंस। और हाँ गाइस प्लीज यार मेरे गेम प्ले को जज मत करना, नहीं खेलने आता, वे नूब हुए मैं। तो ओवरऑल TDM के मैच काफी बेहतरीन गए, काफी शानदार गए, विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स, विदाउट एनी लैग, जायरोस्कोप, टच रिस्पांस एंड A to Z काफी परफेक्टली काम कर रहा था विदाउट एनी डिले। और गाइज ये रहा मेरा iPad 9 जनरेशन जो 64GB में है, जिसे मैंने 1 ईयर पहले बाई करा था। इस डिवाइस में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बस एक ही चीज की, वो है स्टोरेज की, जो सिर्फ 64GB है, एंड काफी ज्यादा दिक्कतें होती है बिकॉज काफी सारे एक्टिविटीज इस डिवाइस के ऊपर करता हूँ। सो 64GB मेरे लिए बिल्कुल इनफ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इस डिवाइस को बाई करने के लिए, तो आप 256GB की तरफ जा सकते हो, बिकॉज आपको वहाँ पर काफी सारे स्टोरेज मिल सकती है। खैर अगर आपको इस iPad के साथ कोई भी वीडियो देखनी हो, जैसे कि गेमिंग, एडिटिंग, डेड लाइफ यूजेज एंड या फिर किसी डिवाइस के साथ कंपैरिजन, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके साथ ही मेरे पास एक और डिवाइस है, जो कि है Vivo Z1 Pro 4GB रैम 64GB में। ये मेरे फर्स्ट पबजी गेमिंग फोन है, जिसको मैंने बहुत ही दिक्कत से बाय करा था, कुछ 3 या 4 साल पहले की बात है, जो मुझे अभी भी याद है। मेरे अब्बू ने मुझे 10 से 10 रुपए 20 रुपए ऐसे ऐड कर करके कुछ 15,000 तक दिए थे मुझे। सो मैं इस डिवाइस को जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ, एंड चाहे ये खराब भी हो जाए, बट मैं इसे मतलब अपने पास ही रखूंगा। एंड मैं अभी भी इस डिवाइस को अपने डेली लाइफ के लिए यूज करता हूँ, तो काफी बढ़िया फोन है। खैर फोकस करते हैं गेम पे। तो मैंने यहाँ पर क्लासिक मैसेज रेंगल को स्टार्ट कर लिया है, एंड गाइजर प्लीज एयरफोन लगा लेना, मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं से चप्पल जूते पड़े। तो गाइजर इस गेम प्ले में थोड़े बहुत गाली ग्लोज है, तो एयरफोन लगा लेना प्लीज मेरे भाई, और गाइजर वीडियो को पूरा देखना ठीक है। I don't know.
मैंने जस्ट ऐसे न्यू आईडी बना लिया था, ये मेरी मेन आईडी नहीं है और इसमें मैंने नाम रखा था योर फादर, तो ये भाई मुझे ही बोल रही थी। हेलो वॉच आउट, रात को 141 हो गए थे एंड बस गेम खत्म होने को ही था। एंड भाई गेम में टोटल भाई न्यू आईडी है, सो सिर्फ बॉट ही मिल रहे थे भाई, पूरी पूरी गेम पूरी बॉट से भरी पड़ी थी। एंड यहाँ पर हमारा चिकन डिनर भी निकल गया, स्मूथ विथ एक्सट्रीम बेस्ट है। मैंने HDR विथ एक्सट्रीम भी गेम प्ले करा बट डिवाइस गर्म हो गया था काफी ज्यादा एंड बैटरी भी ड्रेन हो चुकी थी। वैसे HDR विथ एक्सट्रीम गेम प्ले आप कर सकते हो, आराम से खेल सकते हो, गेम प्लेबल है। उसके बाद मैंने एक और क्लासिक मैच स्टार्ट करा सैनोक का स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पर, बूट कैंप में जंप करा था। एंड गाइज यार न्यू आईडी होने की वजह से कोई भी रियल बंदा नहीं आया, एक आध बॉट मिले जिनको मैंने ठोका, उसके बाद यार इतनी ज्यादा बोरिंग हो रही थी ना, मैंने गेम से बाहर निकल गया। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर जेड फुल टू लाइट के साथ पबजी का टेस्ट कर लिया है। वीडियो के नीचे कमेंट कर बताना आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन सी डिवाइस के साथ पबजी का टेस्ट देखना चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज यार, फाइनली हम लोगों को यहाँ पर 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने को है। एंड गाइज जल्दी से 1K करा दो। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का यहाँ तक लेकर आया, मुझे कभी सोचा नहीं था। एंड इसी तरह से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको BGMI इंडिया से बाहर वाले कंट्रीज में खेलने हैं तो उसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोज बना रखे हैं, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच यार, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, सो मैं चल रहा हूँ सोने, अपना खुद का ख्याल अपने फैमिली का ख्याल रखना। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।